वेरी गुड इवनिंग मित्रों, नमस्कार और अभिवादन आप सभी को, और स्वागत है आज की संध्या में एक बार फिर से, जहां पर बहुत जबरदस्त खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से। ये शाम काफ़ी गंभीर है कहना पड़ेगा पाकिस्तान में। आज दोपहर बाद लगभग 3 बजे के बाद में वहां पर DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी पहले से मौजूद नहीं थी। दरअसल आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए या नहीं, जो कि आपको मालूम है पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, और जिसको लेकर बंदयाल साहब ने शुक्रवार को जुम्मे के रोज ये कहा था सुनवाई खत्म करते हुए कि हम मंगलवार तक इसका फैसला देने की कोशिश करेंगे, इस सुनवाई पर मंगलवार तक फैसला दे देंगे। लेकिन ठीक उसी रात मैंने आपको ये खबर भी दी थी जुम्मे के रोज कि सरकार ने 3 अपने वकील इसमें लगा दिए थे, 3 वकील अपनी तरफ से कर दिए थे जिनको यहाँ पर पेश होना था। तो वो 3 वकील पेश होने के वजह से मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फर्क पड़ने जा रहा है इस तमाम सिलसिले में, वो ये कि बंदयाल साहब की ये ख्वाहिश कि वो मंगलवार को कोई फैसला दे पाए वो नामुमकिन बन जाती है, क्योंकि 3 वकील अगर आप प्रेजेंटेशन देने बैठेंगे और एक वकील भी एक एक दिन लेने बैठा तो सोम मंगलवार बुधवार तो वैसे ही निकल गए, यानी कि और मंगलवार यानी कल कल आखिरी दिन है सुप्रीम कोर्ट का छुट्टियों से पहले का, ईद की छुट्टियों से पहले का, तो और यहाँ से फिर वो समर वेकेशन की छुट्टियों पर चले जाएंगे। तो जहाँ से फिर खुलेगा जो कोर्ट खुलेगा सुप्रीम कोर्ट, वो 12 सितंबर के आसपास है और 16 सितंबर को बंदयाल साहब को रिटायर होना है, आपको याद होगा चीफ जस्टिस को। इस सारे सिलसिले में आप ये देखिए, और शुक्रवार को जो कुछ कहा गया, जिस तरह के कमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई और ये कि नहीं सिविलियंस का जो इन जनरल सिविलियंस को माना जा रहा था कि नहीं ट्राई होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स में, बहुत से लोग पाकिस्तान में इस बात को लेकर कह रहे हैं जो लिबरल्स हैं, यू नो, मगर जाहिर है इसके अपने तर्क वितर्क को तर्क सब हो सकते हैं इन बातों को लेकर, अलग अलग समाजों में, अलग अलग माशरों में, अलग अलग सोसाइटीज में इसको अलग अलग ढंग से डील किया जाता है इस सब्जेक्ट को। लेकिन ये बात जरूरत है कि जो कुछ उस दिन, यानी कि 9 मई की बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि 9 मई के सिलसिले अगर आप उसके 20 देखें कि कहाँ से आ रहे हैं तो लगभग 2014 से शुरू हो जाते हैं कि 2014-16 और उसके बाद कंटिन्यूसली जिस तरह से चीज़ों को बनाया गया, जिस तरह से एक माहौल बनाया गया इमरान खान के खिलाफ, जिस तरह से इमरान खान को उठाया गया और उस प्रोसेस में जो कुछ इमरान खान और उनकी पार्टी से करवाया गया, वो करवाने वाले भी कौन थे आप देखिए ना, 14 में जो कुछ वो करवाया जा रहा था, अगर किसी ने उस वक्त उसको नोटिस लिया जाता और इस बात को रियलाइज किया जाता कि जो कुछ किया जा रहा है, भाई जब पार्लियामेंट पर जब सलवारें टांगी जा, सुप्रीम कोर्ट पर जब टांगी जा रही थी सलवारें टांगी जा रही थी, या कि जब पार्लियामेंट पर हमला किया जा रहा था, जब शेख रशीद मंच पर खड़े होकर चिल्लाया करता था कि ये मार दो, काट दो, जला दो, जैसे नारे लगा करते थे, अगर किसी ने उस वक्त सोसाइटी में इस बात को नोट किया होता कि नहीं भाई ऐसा किया जाना गलत है और किसी भी माशरे में ये सब ये कोई समाज में डील करने के तरीके नहीं होते हैं, बट देन दैट्स पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, जैसा कि बाजवा साहब बड़े चैन से आजकल बताते हैं कि भाई हम उस वक्त इमरान खान के इश्क में मुब्तला थे, तो बात खत्म हो जाती है ना, जब आप इश्क में हैं तो सब कुछ जायज है, और उस इश्क में उन्होंने अपने मुल्क के साथ क्या कुछ कर डाला ये आज आप देख रहे हैं। तो यू नो शर्मनाक है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और शायद ये कि जो मौजूदा क्यादत है, जो मौजूदा लीडरशिप है मिलिट्री की, उसको होश आया है इन चीज़ों का। और आज का जो आज की जो प्रेसर थी, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने, वो शायद इस पर रोशनी डालती है बड़ी हद तक, और जो नया पर्सपेक्टिव है इस नई एस्टेब्लिशमेंट का, उसका भी खुलासा करती है। आप देखें कि आज फॉर एग्जांपल जो उन्होंने बड़ा साफ किया अपनी तरफ से, वो ये कि चाहे कोई भी शख्स, सवाल ये नहीं है कि किसने क्या किया, उन्होंने बताया कि 15 आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स, उनको इसके लिए पनिश किया गया है। 3 मेजर जनरल शामिल हैं उसमें, 7 ब्रिगेडियर शामिल हैं, विच इंक्लूसिवली ऑल इंक्लूसिव 15 लोग आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ उस पर कार्रवाई की गई है, चाहे वो उन्होंने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इस सारे सिलसिले में 9 मई के शामिल होने की कोशिश की, या अपनी तरफ से इनकॉम्पिटेंस दिखाई और उनको जो एक्शन लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया, या कि अगर उनको कुछ एक्शन लेने के लिए कहा गया और उन्होंने नहीं लिया, यू नो तमाम बातें। तो इन सबके सिलसिले में, इस सबके तहत उनके खिलाफ आर्मी ने कार्रवाई की है। इससे आर्मी ये भी बता रही है कि हमारे फौजियों के जो रिश्तेदार हैं, यानी कि
फॉर्मर आर्मी जनरल की अगर नवासी है, खलीजा शाह की बात, खदीजा शाह की बात कर रहे हैं जाहिर हो, तो अगर या दामाद फॉर एग्जांपल एक जनरल के, तो इस तरह की चीजें जो है वो कह रहे हैं हम इन सब के खिलाफ कोई रियायत नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली फौज ये कहने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान में कि हम अपने ही लोगों के साथ पहले कार्रवाई कर रहे हैं, और चूंकि हम वहां कार्रवाई कर रहे हैं तो कोई रीजन नहीं बनता कि बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो हम पहले अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उसके बाद हम दूसरों पर भी निगाह रखेंगे कि उन पर कार्रवाई हो। अच्छा, बचती बात ऐसे में क्या है कि ये जो जो सवाल उठाया गया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कि भाई वेदर सिविलियंस कैन बी ट्राइड अंडर द लॉ, यू नो, आर्मी एक्ट के अंडर, तो उनका ये कहना था कि भाई आप ये देखें, इस बात को तो बंदयाल ने खारिज कर दिया ना, बंदयाल ने फ्राइडे को ये कह दिया कि नहीं, ये आर्मी एक्ट को गायब कर देना या मतलब उड़ा देना कानून की तरफ से, कानूनी तरफ से, वो फिजूल की बात है। तो में उन्होंने उस बात को इन एनी केस खारिज कर दिया है कि वेदर आर्मी एक्ट इज वैलिड और इनवैलिड, उस बात को मतलब उसकी वैलिडिटी पर तो बंदयाल साहब ने फ्राइडे को मोहर लगा दी कि भाई आर्मी एक्ट इज वैलिड। अब अगर आर्मी एक्ट वैलिड है तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब वी हैव टू यू नो फाइन ट्यून द प्रोसेसेस, यू नो कि फाइन ट्यून द प्रोसेसेस कि कैसे आर्मी एक्ट में कोई किसी सिविलियन को ले जाया जा सकता है, कि भाई एटीसी यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं उनको उनके वहां पर केस ले जाया जाए, पहले पूरी फाइल बनाई जाए, उसको साबित किया जाए, जज को दिखाया जाए कि भाई ये आदमी क्यों आर्मी एक्ट के अंडर ट्राई किया जाना चाहिए। और अगर वो एटीसी का जज जो है, और बाय द वे एटीसी सिविलियन कोर्ट्स के अंडर आती है, तो अगर एटीसी जो है वो कन्विंस्ड है इस बात से तो देन वो हैंड ओवर कर देंगे इस किसी भी उस एक्यूज को आर्मी को, आर्मी एक्ट के अंडर आर्मी कोर्ट्स में ट्राई करने के लिए। तो ये तमाम सिलसिले चल रहे थे जो जो जिसके इंडिकेशन आ गए थे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बंदियाल की तरफ से। लेकिन आज का दिन क्यों जरूरी है, आज के दिन की इंपॉर्टेंस क्या है, आज के दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, आज से पहले क्यों नहीं की गई, आज के बाद क्यों नहीं हो सकती थी, ये वो सवाल है जिन पर हमें सोचने की जरूरत है। और इस पर बाकायदा सोच विचार किया गया है, इस पर बाकायदा बात की गई है आज। तो जैसा कि मैंने कहा 15 आर्मी ऑफिसर्स पर कार्रवाई चल रही है इस वक्त, ये उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो कोई भी मुलव्वज है इसमें, उनका जो प्लानर्स हैं जिन्होंने काम किया है गलत, उनके पर तो कार्रवाई होगी। जो प्लानर्स हैं जिन्होंने इस सारे प्लान को बनाया, जो फैसिलिटेटर्स थे, उन सबको सजा होगी, इररिस्पेक्टिव कि वो किस जगह पर काम कर रहे हैं या उनकी हैसियत क्या है। आप जरा देखिए इसके मायने बहुत अलग हैं। इसके मायने ये कि अगर वो जुडिशरी में है तो भी पकड़े जाएंगे, अगर वो पॉलिटिशियंस हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो भी पकड़े जाएंगे, उन पर भी वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे कि फौजियों पर की गई है। और इस बात का भी उन्होंने कहा कि भाई ये सवाल कि यू नो आर्मी आर्मी कोर्ट्स का, तो उनका भाई आर्मी कोर्ट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है एक जमाने से, दसियों साल से बनी हुई है, 1952 से बनी हुई है, तो और ऑनवर्ड्स। और उस पर उन्होंने ये भी कहा कि इसको बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हासिल है, संवैधानिक तरीके से भी उनको सही माना जा चुका है। सो मच सो कि उन्होंने ये भी कहा कि इस पर अब तक सैकड़ों लोग ट्राई किए जा सके हैं, और आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया इस बात पर कि आखिर लोगों को, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों ट्राई किया गया है। उनको ट्राई किया गया बिकॉज वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ वैलिड थे, उनका वहां पर ट्राई करना विद इन द लॉज, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन जैसा भी है। तो इसके अलावा एक और बात उन्होंने इंपॉर्टेंट बताई कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे ने भी इन इन कोर्ट्स के कार्रवाई करने के तरीके पर अपनी मोहर लगा रखी है, और ये कह रखा है कि नहीं, ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। इस बारे में और डिटेल देते हुए भी डीजीआईएसपीआर ने ये बताया कि तमाम एक्यूज्ड जो आर्मी एक्ट के अंडर ट्राई किए जा रहे हैं सिविलियंस, उनको राइट ऑफ अपील हासिल है, वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील्स कर सकते हैं, उनको सिविलियन लॉयर्स का एक्सेस दिया गया है, वो तमाम चीजें जो किसी भी सिविलियन कोर्ट में उनको हासिल होती हैं वो वहां पर उनको मुहैया की गई हैं। तो ये भी उन्होंने इस बात का इशारा यहाँ पर ये दे दिया कि ऐसा नहीं है कि उनके ह्यूमन राइट्स को तरफ किया जाए, उनके ह्यूमन राइट्स को कहीं से दबाया जा रहा है, ये उन्होंने क्लैरिटी दी वहां पर। तो और ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि
बहुत सारा बवेला है, बहुत सारा फॉल्स प्रोपेगेंडा है जो पीटीआई की तरफ से, जाहिर है पीटीआई का नाम नहीं लिया गया, उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से पर इशारा साफ था कहा जा रहा है, तो वहां उनकी तरफ से इस तरह का प्रचार किया जा रहा है जो कि फाइट बैक किए जाने की जरूरत है उन्होंने। और कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म की बात उन्होंने की कि जो सहाफी कम्युनिटी है उसको कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म की तरफ जाना चाहिए और सच बताना चाहिए, चाहे वो सच कितना ही कड़वा हो। तो कैपेसिटी, उन्होंने ये भी कहा कि सोसाइटी में हमें उस कैपेसिटी को डेवलप करने की जरूरत है कि हम सच को बर्दाश्त कर सकें, सच को सुन सकें, सच पर बात कर सकें, चाहे वो सच कड़वा ही क्यों ना हो। तो ये वो तमाम चीजें हैं। लेकिन इस सबसे जो मैं कहता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, वो इम्पोर्टेंस ये है कि आज ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि इमरान खान और उनके साथ के तमाम लोगों की कोई बचत नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुए थे उस दिन की एक ऑडियो लीक हुई थी, उस दिन का जो ऑडियो लीक हुई थी वो मुराद सईद की थी। मुराद सईद साफ तौर पर सुने जा सकते थे कि आलम इस्लाम का यानी मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा लीडर यानी कि इमरान खान, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और तो आप सब लोगों को, वो अपनी पब्लिक से अपील कर रहे थे कि आप सब लोगों को वहां जाना है, उन जगहों पर जाना है जो जगह है हमने आपको बता रखी है, यानी कि वो उस ड्रेस रिहर्सल का भी जिक्र कर रहे हैं जो ऑलरेडी इन लोगों ने की थी। और फिर वो आगे कह रहे हैं कि वहां जाकर वो सब करना है जो जो आपको बताया गया है, वो कार्रवाइयां डालनी है। तो बड़ा साफ था कि ये तमाम चीजें प्री प्लान थी। ये भी क्लियर था कि इन तमाम चीजों पर जो इमरान खान और उनकी पार्टी और उनकी सीनियर लीडरशिप की मोहर लगी हुई थी। कहना कि ये भी हमें सोच देखना चाहिए कि उस दिन चाहे ट्विटर पर आप असद उमर की ट्वीट्स देखिए या शाह महमूद कुरैशी की देखिए, ये सब अपनी ट्वीट्स के जरिए लोगों को उकसा रहे थे इस बात के लिए कि लोग बाहर निकलें और वहां जाए जहां उनको जाना है। तो आज अगर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं, या वो कहते हैं कि वो दूध के धुले हैं, या उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं किया, या कि वो इसके खिलाफ पहले से ही बोल रहे थे जो इमरान खान कह रहे हैं, एक्चुअली इट्स ऑल फेक एंड ड्रामा। सच ये है कि ये सब पावर हंग्री लोग हैं, ये कभी इधर तो कभी उधर वाले खेल खेल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी चाहते थी और अब हालत ये है कि उनको मालूम है कि उनकी चाहते अब काम नहीं आएंगी, और चूंकि वो चाहते काम नहीं आएंगी इसलिए अब वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिससे कम से कम वो अपना बचाव कर सकें, डिफेंस ऑन डिफेंस रहें, उनका अपना जो बचाव है वो हो जाए। बंदयाल साहब भी दरअसल कहीं ना कहीं बचाव की ही मुद्रा में है। वो भी अपने इस पोस्चर में, अपने डिफेंसिव पोस्चर में बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं कि समहाउ पीसफुली मैं रिटायर हो जाऊं और मेरे रहते कोई गड़बड़ ना होने पाए। पर दूसरी तरफ जो पुराना इश्क है कहीं सिर पर चढ़ा हुआ, वो भी जोर मार रहा है। और इस कन्फ्यूजन में बंदयाल साहब लगातार घिरते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि माना जा रहा है एक्चुअली कि जो 9 मई के जो काम थे उनमें कहीं ना कहीं बंदयाल साहब का भी हाथ आ रहा है कि कि फॉर एग्जांपल इमरान खान की जो अरेस्ट हुई थी उसमें जो मिस चीमा थी, जो जमशेद चीमा की जो वाइफ थी, तो वो जो उनसे बात की गई थी इमरान खान ने जब फोन से बात की थी, अगर आपको याद हो ऑडियो बड़ी मशहूर हुई थी, तो कैसे उनके बाद में चीफ जस्टिस से, बंदयाल से कांटेक्ट किया गया, किसने किया, क्या अश्योरेंसेज आई, वो सब कुछ जो हुआ उसमें बंदयाल की इन्वॉल्वमेंट बनती है। तो ये भी एक एक एक, एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। टाइमिंग देखी जाएगी, टाइमिंग मुझे लगता है कि ये जो अभी 29 तारीख को ईद है, 28-29 को ईद है, और उसके बाद जो सिलसिले चलेंगे वो शायद बहुत सारी चीज़ें बाहर करेंगे। मैं नहीं जानता कि बंदयाल पर कैसे और कब एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है कि उनकी रिटायरमेंट का इंतजार किया जाए ताकि कानूनी पेची दिया जाए वो कम हो जाए, मगर एक्शन होगा ये मेरा यकीन है। मुझे ये भी लग रहा है कि इमरान खान पर एक्शन बहुत नज़दीक होने वाला है। आई डोंट थिंक कि अब उनके बचाव के कोई रास्ते बचे हैं। और इस बात की तरफ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा साफ, बेहद साफ तरीके से बात कह दिया गया है कि बचाव के कोई रास्ते नहीं है। जो लोग मुलव्वस थे, चाहे वो लीडरशिप में थे, चाहे वो जहाँ थे, जो फैसिलिटेटर्स थे, जो प्लानर्स थे, वो सब के सब फड़े जाएंगे। तो मित्रों, ये था वो अपडेट जो मुझे आपको देना था। नजर ये आ रहा है कि फौज ने अपना मन बना लिया है। हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, एक और चीज आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो सबसे बड़ी बात नजर आ रही है वो ये
कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोर्ट क्या फैसला देगी। फौज ने मन बना लिया है, रियासत ने मन बना लिया है कि भाई हम तो पकड़ेंगे और हम सजा देंगे, कम व्हाट मे, चाहे बंदियाल कोई फैसला दे, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे, कुछ भी बोले, ये तो होगा। ये तो अब होगा कि पॉलिटिकल क्लास के इमरान खान एंड कंपनी ये सब के सब धरे जाएंगे। दरअसल एक और चीज सामने आ गई है और वो ये, आपने शायद पिछले दिनों में नोटिस भी की होगी ये चीज, कि जो पीटीआई के लोग जो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दाएं बाएं निकल रहे हैं, और अगर उन पर केसेस हैं तो आपको ये मालूम होगा कि वो केसेस नहीं हट रहे हैं, कोई पवित्र बनकर बाहर नहीं निकल रहा है इस आग में से। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग निकल रहे हैं, उनका ये मानना कि वो इससे बच जाएंगे, बचने का गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। केसेस सब पर चल रहे हैं, जो केसेस हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हट नहीं रहे, केसेस नहीं खत्म हो रहे। तो ये एक और सिलसिला है जो आने वाले दिनों में चलेगा। मैं नहीं जानता कि सबका अंत कहाँ होगा। मैं आपसे अभी अगले व्लॉग में हम लोगों को दो बातें करनी है, एक जो पॉलिटिकल जो सीन बन रहा है पाकिस्तान में उस पर, इलेक्शन अगले साल होंगे या इस साल होंगे उस पर, और दूसरा कि IMF की जो डील पर बात आ रही है उस पर डिटेल मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आज रात को डिटेल और आनी है। मगर फिर भी मैं आपसे अभी तुरंत इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ, IMF वाली जो डील है उसके ऊपर, आपसे बस कुछ ही देर में, तो आप अगले व्लॉग में उसको भी पाएंगे, प्लस हम लोग पॉलिटिकल बातें भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों इस अपडेट के साथ में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर इट, और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो तक बाय बाय, सी यू अगेन वेरी वेरी सून।